ये है बुलंदशहर ज़िले में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में। मैं आपको उत्तर प्रदेश की प्रगति का एक चेहरा दिखाना चाहता हूँ। जब हम बच्चे थे तो हम इस बिल्डिंग में लगभग रोज़ आते थे स्कूल से या स्कूल के बाद में, और यहाँ पर एक म्यूज़ियम होता था जिसमें बहुत अच्छी अच्छी ऐतिहासिक चीज़ें बच्चों की जानकारी के लिए रखी थी। और आज मैं 59 साल का हो गया हूँ। अब यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड का बोर्ड लगा हुआ है। भगवान जाने यहाँ कोई आता है खोलता या नहीं होता है, मगर ये बसपा कार्यालय बन गया है और बगल में भाजपा कार्यालय बन गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये बहुत सुंदर बिल्डिंग होती थी जिसकी दूसरी तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो स्टेडियम की सीढ़ियों की तरह काम आती थी। और आज उस तरफ मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं और कीचड़ हो रही है। ये आपको ज़िला बुलंदशहर की प्रगति और बहुत ही काबिल IAS अफसरों की और नेताओं की ये हरकत है कि एक बच्चों की लाइब्रेरी और एक ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें जहाँ रखी हुई थी, ज्ञानवर्धन वैज्ञानिक उस समय के हिसाब से खिलौने रखे हुए थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसका उन्होंने ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन करके प्रगति करी है। ओवल शक्ल के ये हॉल हुआ करते थे जहाँ पे वो मुझे याद है सामान ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई थी और उसमें से बहुत सी मथुरा के संग्रहालय से लाई हुई थी, ये भी उन पे नोटेड था। तो इसका मतलब ये है कि 1970 के आसपास ये किसी जागरूक अधिकारी शिक्षा अधिकारी ने लाइब्रेरी और संग्रहालय डेवलप किया था और पिछले इतने वर्षों में यहाँ पर सवा सत्यानाश इन्हीं अधिकारियों ने और इन्होंने कर रखा है। अब यहाँ इसका क्या हाल है ये आप खुद देख लें।